फ्रेंड, दिस इज़ हनी एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन आल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ कॉफ़ी केक इन ग्राइंडर विदाउट ओवन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी डिलीशियस केक दिस इज एंड आई एम मेकिंग इट इन वेरी डिफरेंट स्टाइल विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक एंड एन्जॉय दिस कॉफ़ी केक विदाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिक्सी का एक जग ले लिया है। इसमें हमने ऐड करना है 2 eggs। 2 eggs के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 tablespoon ये कॉफ़ी है, इसे हम ऐड कर देंगे। साथ ही हमने ऐड करना है 5 tablespoon शुगर। इसके साथ जाएगा 3 to 4 tablespoon वेजिटेबल ऑयल, साथ ही 1 teaspoon वनीला एसेंस, 1 pinch ऑफ साल्ट और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लुक वॉर्म मिल्क है ये, 1/2 cup मिल्क हम इधर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 tablespoon कोको पाउडर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा 2 to 3 minutes तक ग्राइंड कर लेंगे। तो ये 3 to 4 minutes में परफेक्टली ग्राइंड हमने कर लिए, तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। सारे मिक्सचर को बॉल में निकालने के बाद अब हमने इसमें 1 ball ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करने हैं और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1 teaspoon बेकिंग सोडा और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक को मैं नॉर्मल तवा जो हर के घर में अवेलेबल होता है उसमें बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक एलुमिनियम का तवा स्टोव पे रखा है गर्म होने के लिए। 5 to 7 minutes का हमने इसे टाइम देना है प्री हीट के लिए। अब हम अपना केक पैन रेडी कर लेते हैं। तो हम इसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, उसके बाद फ्लोर डस्ट करके इसे प्रिपेयर कर लेंगे। केक पैन रेडी है तो चलें इस पे अपना बैटर डालते हैं। तवा जो है हमारा अच्छे से प्री हीट हो गया है तो जस्ट हमने अपना केक पैन जो है वो इसके मिड में रखना है और इसको कवर करना है और लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है 20 to 25 minutes। जी 30 minutes लगे हैं इसको रेडी होने में और ये देखें 30 minutes के बाद ये परफेक्टली रेडी है। तो स्टव करते हैं ऑफ और इसे उतारते हैं यहाँ से। अब हमने 10 मिनट जैसे इसे रूम टेम्परेचर पे सेट होने देने हैं, उसके बाद हम इसके साइड्स को लूज़ कर लेंगे। जी केक हमारा रेडी है। अब हम इसके ऊपर से चॉकलेट सिरप जो है वो अप्लाई करेंगे। जी फ्रेंड, हमारा सुपर सिंपल, सुपर इजी और सुपर मॉइस्ट जो कॉफ़ी केक है विदाउट ओवन परफेक्टली रेडी है। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चॉकलेटी यमी ये रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, इट्स मस्ट ट्राई रेसिपी। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है, नॉनस्टिक देखी नहीं है, ओवन नहीं है, तो फिर भी आप घर पर ज़बरदस्त सा कॉफ़ी केक रेडी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। Try करें। If you like this recipe, give a thumbs up to this video and share with your friends. Make your cooking easy and fun with me. So let's cut it and take care of yourself. Me.
फ्रेंड, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनिका किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चोकोलावा कप केक्स इन 15 मिनट्स विदाउट ओवन। इट्स सुपर डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग, सुपर डिलीशियस केक रेसिपी विदाउट ओवन। आई एम मेकिंग इट विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स एंड विद वेरी डिफरेंट स्टाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए इसे लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक इट एंड एंजॉय एट योर होम। वन बिग बॉल ले लिए, यहाँ पे मैं 2 eggs यूज़ कर रही हूँ, होल लार्ज एग हैं। आप अगर एग स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 1 small ball यानी 5 to 6 tablespoon योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये तोड़ के इस बॉल में डालूंगी। एग में मैंने ऐड करना है 4 tablespoon शुगर। शुगर इसलिए कम ऐड करें क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट ऐड करनी है, तो इसे हम अच्छे से विस्क कर लेंगे और एक फोम बना लेंगे। जी अच्छे से हमने विस्क कर लिया और ये देखें फोम की शेप में आ गई, ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ गया। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 cup हमने इधर ऑल पर्पज़ फ्लोर यूज़ कर रही हूँ मैम। इसमें मैंने 2 tablespoon कोको पाउडर ऐड करना है। 1 teaspoon वनीला एसेंस ऐड करेंगे। 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1 teaspoon ही बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम इधर। 1 pinch साल्ट ऐड करेंगे। 1/2 cup मिल्क ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। जी ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है जिसे मैंने क्रश कर लिए है 500 grams। इसमें हमने 2 tablespoon बटर ऐड करके मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने जा रही हूँ। आप इसे डबल बॉयलर यानी कि हॉट वाटर के ऊपर इस बाउल को रख के भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। हमने 3 to 4 tablespoon ऑयल ऐड करना है इसमें और जो चॉकलेट हमने क्रश करके मेल्ट करके रखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप हमने इसमें 2 tablespoon क्रश वॉलनट ऐड करना है। आप अपने कोई भी फेवरेट आमंड भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इससे ये है कि हमारा जो केक है वो ज़रा टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। जी ये यहाँ पे मैं सिंपल ये कप यूज़ कर रही हूँ जो कि नॉर्मल हर घर में होता है। यहाँ पे मैंने ऑयल ब्रश करने के बाद इस पर फ्लोर डस्ट किया है और हमने अपना जो केक बैटर ऐड किया है वो इसमें डालते हैं। टेन मिनट से मैंने स्टव पे कढ़ाई रखी थी, मिड में स्टैंड रखा है मैंने, इसे प्री हीट के लिए रखा था मैंने 10 मिनट पहले। तो ये हाई फ्लेम में मैंने इसको प्री हीट कर लिया है और अपने फ्लेम कर लिया है स्लो। और रैक पे मैंने रखा है केक पैन या आप पिज़्ज़ा पैन कह सकते हैं, कोई भी आपके पास ट्रे हो। इस पर हम केयरफुली अपने जो कप्स हैं उसे प्लेस कर देंगे इस तरह से। अब हमने अपने उस पर स्टैंड पे अच्छे से हमने रख दिए हैं। ऊपर हम थोड़े से क्रश नट्स, आई एम यूजिंग ये आमंड एंड वॉलनट, वो हम इधर स्प्रेड कर देंगे फॉर सम एक्स्ट्रा फ्लेवर। और इसको हमने कवर करके लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए कुक करना है एंटिल की हमारी जो ऊपर की परत है वो हार्ड हो जाए, वो हैंड में स्टिक ना हो, तब तक हम इसे
कुक करेंगे, बेक करेंगे कवर करके लो फ्लेम पे 15 मिनट्स। इसका सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है वो बेकिंग ही होता है, बेकिंग टाइम ही होता है। अगर आप ओवर कुक कर देंगे तो आपको बीच में लावा नहीं मिलेगा। हमें चोको लावा केक बनाना है तो इसके लिए हमने बहुत केयरफुली इसको ओवर बेक नहीं करना, 15 मिनट्स ऑन लो फ्लेम कवर करके। विद इन 20 मिनट्स हमारा चोको लावा केक जो है, मग केक, वो ऑल डन है, परफेक्टली रेडी है। ऊपर ये देखें, ये हार्ड हो गया, तो बस हमने इसे इतना ही कुक करना है, अदरवाइज हमें लावा नहीं मिलेगा। तो हम स्टोव ऑफ कर देंगे और इसको इधर से निकालते हैं। जी फ्रेंड, हमारा चोको लावा मग केक और यू कैन से कप केक इज परफेक्टली रेडी विदाउट ओवन विद इन 15 मिनट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द रियल चोको लावा केक। समटाइम मैसी थिंग्स लुक डिलीशियस, बिलीव मी इट्स अ मस्ट रेसिपी। ट्राई इट इफ यू लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ वेरी वायरल एंड ट्रेंडिंग 3 इंग्रेडिएंट्स केक रेसिपी विदाउट ओवन इन माई स्टाइल। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए लास्ट तक देखें, सो दैट यू कैन मेक दिस 3 इंग्रेडिएंट्स सुपर मॉइस्ट सुपर डिलीशियस केक विदाउट ओवन एट योर होम। ये हमारे पास 1 प्लेट जो हैं कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, तो इनको हम ग्राइंड करके क्रम्स बना लेंगे। हमारे बिस्किट क्रम्स जो हैं वो परफेक्टली रेडी हैं, तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर हमने ऐड करने हैं और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। जी, इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 1 कप फुल फैट मिल्क है, इसको मैं ग्रेजुअली इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसका थिक बैटर बना लेंगे स्मूथ सा। एक पैन हमारा रेडी है, तो अपना बैटर जो है हम टेन मिनट्स पहले मैंने स्टोव पे देखची रखी थी, साल्ट क्लियर करके मैंने एक स्टैंड के मिड में रख दिया था, और अब हम अपना जो केक मोल्ड है वो इस पर रख देंगे। ये 10 मिनट से मैं प्रीहीट के लिए रखी हुई थी, और अब हमने जस्ट इसे लो फ्लेम पे 20-25 मिनट रेडी होने का टाइम देना है। 20 मिनट्स हो चुकी हैं, 20 मिनट्स के बाद हमने स्टव कर दिया है स्विच ऑफ, तो ये हमारा परफेक्टली डन है। हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं, क्लियर आई हमारी टूथपिक, तो हम इसको निकालते हैं यहाँ से। 10 मिनट्स इसे हमने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दिए हैं। आप इसके हम साइड्स लूज़ कर लेते हैं, उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जी,
हमारा 3 इंग्रेडिएंट्स केक परफेक्टली रेडी है। तो अब इसको सिंपल फ्रॉस्टिंग के साथ डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं इस पर अप्लाई करूंगी मेल्टेड चॉकलेट। जी फ्रेंड, हमारा सुपर वायरल एंड ट्रेंडिंग 3 इंग्रेडिएंट्स सुपर मॉइस्ट डिलीशियस केक जो है परफेक्टली रेडी है विदाउट ओवन इन माय स्टाइल। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी। ट्राई इट इफ यू लाइक दिस रेसिपी। गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनीका किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चॉकलेट वॉलनट केक विदाउट ओवन। इट्स सो डिलीशियस, सो चॉकलेटी एंड सुपर मॉइस्ट केक। सो आई एम मेकिंग इट इन वेरी डिफरेंट स्टाइल एंड विद वेरी लेस इन्ग्रीडियंट्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक एंड एन्जॉय दिस फेबुलस वॉलनट केक एट योर होम। एक बड़ा बॉल ले लेना है हमने, उसमें मैंने तोड़ के डालने हैं 2 एग। अगर आप एग स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह योगर्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग ऐड करूँगी। एग में ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून। आई एम एडिंग शुगर। यू कैन ऐड शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मुझे मीठा थोड़ा सा कम पसंद है इसलिए मैं 6 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 pinches salt और 3 to 4 tablespoons वेजिटेबल ऑयल। यू कैन यूज़ हेयर बटर ऑल्सो। सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जी इसको अच्छे से हमने विस्क कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर। ये है वाइट विनीगर 1 tablespoon। ये हमारे बेकिंग पाउडर से जब मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो बहुत अच्छा सा हमारा केक फूलता है। इसके बाद 1 tablespoon ये है एसेंस, वनीला एसेंस। और यहाँ पे 1 ball हम स्लो स्लो करके, ऑल पर्पज़ फ्लोर है मेरे पास, इसे हम स्लो स्लो करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 glass ऑफ हॉट मिल्क और अच्छे से करेंगे विस्क। हम इसमें 3 to 4 spoon बॉइलिंग हॉट वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड वॉलनट्स और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। वॉलनट ऐड करके हमने अच्छे से विस्क कर लिए। ये हमारा जो मिक्सचर है वो इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए, तभी हमारा जो केक है वो सुपर सॉफ्ट सा रेडी होगा। तो हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब अपना केक पैन रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने ये केक रेडी करना है। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल के हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे। केक पैन हमारा रेडी है तो चलें अब हम अपना केक मिक्सचर है वो इसमें डालते हैं।
जी 10 मिनट्स हो गए हैं और हमारी जो कढ़ाई है वॉक है वो अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो हम अपना केक पैन केयरफुली से स्टैंड पे रख देते हैं और लो फ्लेम में हमने इसे 40 मिनट्स का टाइम देना है कुक होने के लिए। मेक श्योर कि कहीं से स्टीम वेस्ट ना हो रही हो, इधर से आप कवर कर लें और लो फ्लेम में 40 मिनट्स कुक करना है हमने। आफ्टर 40 मिनट्स हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त रेडी है, परफेक्टली बेक हो गया है। तो चलिए इसको स्टोव ऑफ करते हैं और इसको इस कढ़ाई से निकालते हैं। अब जस्ट इसे 10 मिनट्स हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसकी सुपर सिंपल सुपर इजी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। जी हम अपने केक को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स में डिवाइड करके अब हमने जो फ्रॉस्टिंग रेडी की है वो अप्लाई करते हैं इसमें। जी फ्रेंड हमारा वॉलनट चॉकलेट केक जो है विदाउट ओवन बिल्कुल रेडी है। सुपर मॉइस्ट एंड सुपर चॉकलेटी केक है, आपने देखा कितनी इजीली बन गया है और बहुत ज़बरदस्त सिंपल डेकोरेशन और फ्रॉस्टिंग के साथ ये रेडी है। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माई चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चेकर बोर्ड चॉकलेट केक विदाउट ओवन। यू कैन मेक दिस केक विदाउट एग्स एंड विद एग ऑल्सो। आई मेड दिस फैबुलस चेकर बोर्ड चॉकलेट केक वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट स्टार्ट अवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक इट एंड एन्जॉय दिस फैबुलस चॉकलेट केक एट योर होम। एक बॉल ले लिया है मैंने जिसमें मैंने मिक्सचर रेडी करना है। यहाँ पे मेरे पास 1 स्मॉल ग्लास या आप कह सकते हैं 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर है। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 to 5 स्पूंस शुगर, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बेकिंग पाउडर, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आई एम यूजिंग हियर 2 eggs। यू कैन स्किप एग इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड इट। विदाउट एग भी ये केक बहुत मज़े का बनता है। 2 whole eggs हैं ये। 1 teaspoon वनीला एसेंस, 1 ball small ball oil,
और साथ ही हमने आपने वाटर ऐड करना हो या मिल्क ऐड करना हो, मैं यहाँ पे मिल्क ऐड कर रही हूँ बॉइलिंग, आपने हॉट मिल्क या हॉट वाटर ऐड करना है। इससे ये होता है कि हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। बैटर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन पार्ट में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेन मिनट्स पहले एक कढ़ाई या वॉक लेके उस पर मिड में स्टैंड रखना है हमने और इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है इसे प्री हीट के लिए। केक पैन रेडी कर लेते हैं। जी हमारी कढ़ाई जो है वो भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तब हम अपना केक पैन जो है वो रख देंगे और इसे 30 to 40 minutes हमने लो फ्लेम में कुक करना है। 40 minutes हो गए और केक हमारा रेडी हो गया, तो स्टव करते हैं ऑफ और इसे निकालते हैं इधर से। केक रेडी करके नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बड़े बॉल में, ये 1 बॉल है रोस्टेड पीनट पाउडर है ये, इसमें हम ऐड करेंगे 1 small ball मिल्क पाउडर, 1 small ball या 3 to 4 tablespoon पाउडर शुगर, 2 tablespoon हम इसमें ऐड करेंगे चोको पाउडर, 2 tablespoon कोको पाउडर। कर लेंगे सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से, सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमने इसमें मेल्टेड चॉकलेट ऐड करनी है और बटर ऐड करके, मेल्टेड बटर ग्रेजुअली 1 tablespoon ऐड कर करके हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो हम बटर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे, एक डो बना लेंगे हम। जी ये हमारा रेडी है। अब हम एक बटर पेपर नीचे बिछा लेंगे और इसके ऊपर भी बटर पेपर रखेंगे और हम इसे रोल करेंगे और बहुत थिन सी एक रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। जी ये हमारी शीट रेडी है। तो अब हमने जो केक रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे एहतियात से इस तरह से और इसको इसमें रैप करेंगे।
ये हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। जी फ्रेंड, हमारा जो चेक बोर्ड चॉकलेट पीनट केक था वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, और बहुत इजी वे में हमने इसे रेडी किया है। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। इफ यू विल लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी। तो चलें इसे हम कट करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ चोकोलावा केक विदाउट ओवन इन अ कढ़ाई। इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिलीशियस रेसिपी, वेरी इजी टू मेक। आई एम मेकिंग इट इन वेरी डिफरेंट स्टाइल विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए से या लास्ट तक देखें, सो दैट यू कैन मेक इट एंड एन्जॉय दिस सुपर मोस्ट चोकोलावा केक विदाउट ओवन एट योर होम। एक बॉल में सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे अपने चोकोलावा केक के लिए। वन बॉल मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लोर है। इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शुगर। शुगर थोड़ा सा कम इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शुगर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। चीज़ें ऐड करके मिक्स कर लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर लेंगे। हाफ मिल्क से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मिल्क है, हॉट मिल्क है। ये हॉट मिल्क हमने इधर ऐड करना है। 1 स्मॉल बॉल ऑयल, यानी 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल है ये। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और यहाँ पे हम जो ये केक है हम दो तरह से बना सकते हैं, विद एग्स भी बना सकते हैं, विदाउट एग्स भी बना सकते हैं। अगर आपने विद एग्स ये केक बनाना हो तो आप इधर 2 होल लार्ज एग्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर विदाउट एग बनाना हो तो आप 4 to 5 टेबलस्पून कर्ड यानी योगर्ट यूज़ करेंगे केक ये एग को स्किप करके। तो मैं विद एग केक ये बना रही हूँ, तो मैं 2 लार्ज होल एग्स यूज़ करूँगी, योगर्ट यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जी ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है जिसे मैंने क्रश कर लिए है 500 ग्राम्स। इसमें हमने 2 टेबलस्पून बटर ऐड करके, मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने जा रही हूँ। आप इसे डबल बॉयलर यानी कि हॉट वाटर के ऊपर इस बाउल को रख के भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, एक थिक सा पेस्ट बन गया। अब हम इसमें 1 पिंच साल्ट ऐड करेंगे, और साथ ही हम अपनी मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे इसमें।
बैटर को हमने साइड पे रख दिया सेट होने के लिए। और अब हम अपना केक पैन रेडी कर लेते हैं। जी मैंने 10 मिनट पहले रखी थी कढ़ाई स्टफ पे लो फ्लेम में। आपके मिड में एक स्टैंड रखा था, हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट करनी है कढ़ाई, वो मैं कर चुकी हूँ। अब मैंने स्टैंड पे केयरफुली अपना केक पैन रख दिया है, उसे लो फ्लेम में कवर करके हमने 10 मिनट का टाइम देना है कुक होने के लिए। चोकोलावा केक में सबसे स्पेशल होता है टाइम ऑफ कुकिंग, अगर ऐसे आप ओवर कुक कर लेंगे तो आपको लावा नहीं मिलेगा बीच में, इसलिए हमने लो फ्लेम में 10 मिनट अंटिल के ऊपर की पर्थ हमारी हार्ड हो जाए तब तक हमने इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करना है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में हमारा जो चोकोलावा केक है वो डन हो गया है। ये देखें हैंड में ये स्टिक नहीं हो रहा, परफेक्टली रेडी है। तो स्टफ करते हैं ऑफ और इसे निकालते हैं। जी फ्रेंड, हमारा सुपर सिंपल सुपर इजी विदाउट ओवन चोकोलावा केक परफेक्टली रेडी है। और आपने देखा कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी। इफ यू विल लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग इजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।